हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज बनाते हैं बेसन सूजी का लड्डू। और इसे बनाने के लिए हम एक कटोरी के लगभग घी लिए हैं, एक कटोरी बेसन लिए हैं और एक कटोरी के लगभग सूजी लिए हैं। अब हम एक लोहे की कढ़ाई में घी डालेंगे और आधा घी पहले डालेंगे, और घी डालने के बाद इसमें हम जो एक कटोरी के लगभग बेसन लिए हैं उसे डाल देंगे। और डाल के इसे हम धीमी बिल्कुल आँच रखनी है, आँच बिल्कुल तेज़ नहीं करना है, और धीमी आंच पे हमको इसको भूनना है। बेसन को धीरे धीरे भूनना है, और देखिए भूनते भूनते थोड़ा थोड़ा हम इसमें घी डालते गए हैं और ये बिल्कुल गीला गीला सा हो गया है। अब यहाँ पे जब ये भून गया है बहुत अच्छे से, तो हम यहाँ पे सूजी डाल देंगे। उतना ही क्वांटिटी में सूजी भी था, तो इसे हम सूजी भी इसमें डाल देंगे और डाल के इसे धीमी आंच पे भूनेंगे और थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे। तो ये घी डाल के हम इसे उसी तरह से भूनेंगे और आँच बिल्कुल तेज़ नहीं करना। और ये देखिए फिर बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया, लिक्विड की तरह हो गया है भूनते भूनते। तो इसे हमें इसी तरह कंटिन्यूसली चलाना है, लगातार चलाते रहना है ताकि ये नीचे छिपके ना। अब हम यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट है एक कटोरी के लगभग, उसे भी डाल देंगे। और कुछ मेवे हैं तो उसे भी कट करके रख लिए हैं, तो आप चाहें तो उसे पीस भी सकते हैं या कट करके भी ले सकते हैं। तो इसमें हम कोकोनट भी डाल दिए हैं। जब दोनों चीज़ें भुन जाएंगी, बेसन और सूजी, तो डाल के और इसे धीमी आंच पे ही भुनना है, आंच को बिल्कुल तेज़ नहीं करना है। और इसको बनाने में 14 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है इसे भुनने में। तो ये सारी चीज़ें हो गई, भुन गई। अब हम यहाँ पे कुछ मेवा पिसा हुआ भी था 3 से 4 चम्मच के लगभग, उसे डाल दिए हैं और इसे अच्छी तरीके से भून लिए हैं। अब हम इसे एक परात में निकाल लेंगे और इसे फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो और हल्का हल्का गर्म रहेगा। तब हम इसमें 1.5 कटोरी के लगभग पिसी हुई चीनी जो है डाल देंगे और डाल के इसे मिक्स करेंगे। बहुत गर्म गर्म में नहीं चीनी मिक्स करना है, हल्का सा ठंडा हो जाए तब चीनी मिक्स करेंगे। और चीनी डाल के इसे अच्छी तरीके से पलटे की सहायता से, थोड़ा ये गर्म है तो पलटे की सहायता से इसे मिक्स करेंगे। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा जब ठंडा होने लगे तो आप हाथों की सहायता से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तो हाथों की सहायता से ज़्यादा अच्छी तरीके से मिक्स होता है। तो इसे मिक्स करके गोल लड्डू का शेप बना लेंगे। आप चाहें तो अगर आपके पास मोदक मोल्ड हो तो उसमें भी डाल के बना सकते हैं, उससे भी जल्दी जल्दी ये बन जाता है। अगर टाइम लगता हो अकेले बनाने में तो मोल्ड में भी डाल के आप इसका किसी भी शेप में लड्डू बना सकते हैं। तो इसमें हम कुछ गोल लड्डू बनाए हैं और कुछ मोदक मोल्ड में डाल के बनाए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है और बहुत ही टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये बेसन का और सूजी का लड्डू कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।